पैसा खाया, इसकी कोई इसका कोई आधार है? या राहुल गांधी ने पैसा खाया, इसका कोई आधार है? आप राहुल गांधी की लाल डायरी पकड़े जाने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ देना, माय डेट के माय अमाउंट के उन्हीं ने बोला है, फिर उनको पैसा पहुंचा तो वो शांत हो गए इस मैटर पे। लाल डायरी पकड़ी गई थी दिल्ली के कारपोरेट कार्यालय से, जब छापा गाड़ा था तो गोल्ड पैसा लाल डायरी पकड़ी गई थी, उसमें जिक्र था किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया। राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पे प्रश्न उठाया था मंच के माध्यम से, उसमें मैं फिगर राशि के और मैं डेट के वो बोले थे। जब उनने वो मुद्दा उठाया उनके उसके बाद उनको पैसा पहुंचा तो उनकी पार्टी भी साइलेंट मोड में हो गई। ममता बनर्जी ने भी उठाया तो ममता बनर्जी की पार्टी भी साइलेंट मूड में हो गई। 65 करोड़ परिवार जो इससे पीड़ित हैं, अगर उसकी आवाज ये देश के लोकतंत्र के राजनेता नहीं उठा रहे हैं आशुतोष जी, तो ये विचारणीय प्रश्न है कि ये इन सब ने मलाई खाई है, इन नेताओं ने मलाई सब ने खाई है सालों ने। इनको तो हमें इस मंच पे गलत बोलने में आज बड़ा ही कहना चाहिए जी, मन कलेजा पक्का करके और अपने आचरण को नीचे गिरा के मूल्यांकन पड़ रहा है कि इनसे बड़ी वेश्या कोई नहीं हो सकती, नेताओं से बड़ी। और जो आज चाटू कार जमा करता सॉरी कार्यकर्ता है आशुतोष जी, इनका स्तर वेश्या का तो स्तर है, इनका कोई स्तर नहीं है। मैं बड़ी दुखी मन से और बड़े अपने आप को मजबूत करके ये बात बोल रहा हूं, मुझे इस मंच पे नहीं बोलना चाहिए, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन सहारा के जो कार्यकर्ता है ना, वेश्या का तो स्तर है, कार्यकर्ताओं का कोई स्तर नहीं है। जिन्होंने अपने अपने जमाकर्ताओं की आवाज नहीं उठाई, साले घर में दुखे बैठे हैं। आज कुछ चंद लोग आज भुगतान के लिए पूरे भारतवर्ष के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तलवे चाट रहे उन अधिकारियों के जिन्होंने अपने 25 साल 30 साल और पूरा जीवन की कमाई खा गए, आज भी उनके तलवे चाट रहे हैं। और 90% आशुतोष जी ब्रांचें बंद हो गई हैं, अभी जिले में ब्रांचें हैं, 4-6 महीने में जिले की ब्रांचें समटेंगी, इसके बाद रीजन और जोन समटेगा और इति सिद्धाय इतिहास के पन्नों पर रह जाएगा। हो गया इतिहास के पन्नों पर कि सहारा इंडिया कोई कंपनी थी। तो देखिए साहब, दोषी वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने जमाकर्ताओं के अधिकारों के लिए सड़क पे नहीं आए, इन्होंने मांग नहीं की, आज भी डरे दुके कंपनी से ऐसे डर रहे हैं जैसे साहब वो बहुत कोई दाऊ बल्लम ना हो गए। अरे साहब, एक फोन पहुंच जाता है तो रीजनल मैनेजर ऑफिस छोड़ के भाग जाता है, ये तो उसकी औकात है। हमारा टीआई थाना छोड़ के भाग जाता अगर हम चले जाते हैं कि अब आ गया ये बहस करेगा, एक एसपी है वो छोड़ के भाग जाता, तो पीछे पड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। और आशुतोष जी मैं आपको एक बात और बताऊं, अभय आप ये बताएं कि क्या क्या कारण है अभय कि अपोजिशन के लोग इस सवाल को, अभी बजट सत्र आने वाला है, उस जुलाई के तीसरे सप्ताह में कम से कम बजट सत्र में क्या अपोजिशन के लोग इस मुद्दे को उठाएंगे कि भाई आपने ईडी की कार्रवाई की है, सहारा की प्रॉपर्टी को अटैच करके सहारा के निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें सहारा का योगदान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सहारा के ऑफिस खुलवाने चाहिए नहीं खुलवाने चाहिए? नमस्कार, हाँ मैं बोल रहा हूँ, काफी देर से हम सब लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक नजर आता है कि सरकारों का इसमें कोई दोष नहीं है, नेता कोई दोष नहीं है और किसी न्यायिक प्रणाली का भी कोई दोष नहीं है। जितना दोष अगर है तो डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग वालों का, डिपॉजिट टेकर मतलब जिसने पैसा लिया, डिपॉजिट टेकिंग माने जिसको पैसा दिया, और जिसको पैसा दिया वो तो माल खाए बैठा है, और डिपॉजिट टेकर जो था जिसने पैसा लिया था उससे बड़ा कोई गुनाहगार आज के डेट में है नहीं, और वो जब तक नहीं जागेगा या जागेगा नहीं जब तक अपनी बेहयाई और बेशर्मी नहीं छोड़ेगा या उनके ऊपर विधिक कानून तब तक इस देश के
एक भी पैसे का भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कोर्टों की बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुब्रता को कई वर्षों तक जेल में रख दिया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।